हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, उनमें से पहला है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज का हमारे ब्लड में किस तरह से रेगुलेशन होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। कौन कौन से हार्मोन ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, टाइप्स ऑफ डायबिटीज एंड इट्स सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमारे ब्लड में किस तरह से रेगुलेशन होता है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं अपनी बॉडी में, ग्लूकोज के लेवल को, ये एक प्रोसेस बताता है। आइए पढ़ते हैं। ग्लूकोज इज एडेड टू ब्लड बाय फॉलोइंग वेज। कई तरह तरीकों से ग्लूकोज हमारे ब्लड में ऐड होता है। उनमें से पहला है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हमारे इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्प्शन के द्वारा। नेक्स्ट इज बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन हो जाता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में। नेक्स्ट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, इसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेशन, ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन से, कन्वर्जन टू लिवर ग्लाइकोजन, लिवर ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होकर, नेक्स्ट टिश्यू ग्लाइकोजन से कन्वर्ट होकर, एंड सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज एंड ग्लाइकोप्रोटीन, लैक्टोज और ग्लाइकोप्रोटीन में सिंथेसिस होकर। अब आइए पढ़ते हैं कुछ हॉर्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं ब्लड ग्लूकोज। इनमें से सबसे पहला नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन है जो कि सिक्रीट होता है पैनक्रियास के बीटा सेल के द्वारा। हाइपोग्लाइसेमिक हॉर्मोन का मतलब होता है ऐसा हॉर्मोन जो ग्लूकोज का लेवल कम कर दे हमारे ब्लड में। इसका सेकेंड पॉइंट है इंसुलिन रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। इंसुलिन हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। द इंसुलिन एक्ट्स ऑन वेरियस सेल्स इन द बॉडी। इंसुलिन कई सारे सेल्स पर एक्ट करता है हमारी बॉडी में। प्रमोट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ द ब्लड। ग्लूकोज का मूवमेंट आउट ऑफ द ब्लड करके, यानी कि हमारे ब्लड से बाहर ग्लूकोज को निकालकर। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी फॉर्म है जिसमें हमारा ग्लूकोज स्टोर होता है। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ाकर, स्पीड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का भी सिंथेसिस को बढ़ाता है ये। इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल कंटिन्यूज टू फॉल, अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से ही गिरने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, तो हमारी बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है जो कि स्टिमुलेट करता है और इनहिबिट कर देता है, यानी कि रोक देता है इंसुलिन के रिलीजिंग पर। नेक्स्ट इज प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी करता है, फैट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन। ओके, तो नेक्स्ट हार्मोन है हमारा ग्लूकागन। ग्लूकागन भी पैनक्रियाटिक ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ग्लूकोज सो इट प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। ऑब्वियसली ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, तो यानी कि ये हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज इट एक्ट ऑपोजिट टू इंसुलिन वेयर देयर इज लो ब्लड शुगर लेवल। ये इंसुलिन के ऑपोजिट एक्ट करता है। कैसे, अभी अभी हमने पढ़ा इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को ये कम कर देता है, इसलिए इसे हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि ग्लूकागन इसके ऑपोजिट काम करता है। जब बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल हो जाता है तब अल्फा सेल्स जो कि पैनक्रियास के द्वारा सिक्रीट होते हैं वो ग्लूकागन को स्टिमुलेट कर देते हैं और इसका रिलीज बढ़ा देते हैं ताकि ये हमारे बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल को ठीक कर सके, यानी कि बढ़ा सके। इट एक्सेलरेट द कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज।
और ये स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये काम करता है। When the blood glucose level rises, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है तब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इसको भी इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ेंगे सोमैटोस्टैटिन। ये हार्मोन डेल्टा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। ये हार्मोन यानी कि सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्लो डाउन करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसको हम GIT ट्रैक्ट भी बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन। ये इंसुलिन और ग्लूकागन दोनों के सिक्रेशन को इनहिबिट भी कर देता है। अब आते हैं हम डायबिटीज मेलाइटिस के ऊपर। डायबिटीज मेलाइटिस एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। अब पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। डायबिटीज अकर्स व्हेन द बॉडी ग्लूकोज लेवल राइजेस एंड अ स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इज प्रोड्यूस्ड। हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ही यही है। एज अ रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ अवेलेबल एंड इफेक्टिव इंसुलिन, इंसुलिन के लेवल में डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है। नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयर ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन टू मसल एंड एडिपोज टिश्यू। हमारे मसल और एडिपोज टिश्यू में इम्पेयर ट्रांसपोर्ट होने के कारण भी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ड्यू टू इम्पेयर्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस सेल्स देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ATP। इम्पेयर्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज की वजह से हमारे बॉडी में ATP का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज जो होता है वो दो तरह से होता है। पहला है ITDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम Type 1 डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब है कि डायबिटीज मेलाइटस इस कंडीशन में इंसुलिन पर डिपेंड होगा। इसको कहा जाता है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, यानी कि ये कहीं चिल्ड्रन में भी प्रेजेंट होता है, चिल्ड्रन को भी हो जाता है और अडल्ट्स में भी होता है। डायबिटीज इन्वॉल्व द पेंक्रियास ग्लैंड विच इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक। हमारे स्टमक के पीछे लोकेटेड होता है पेंक्रियास ग्लैंड। द बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास प्रोड्यूस अ हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। बीटा सेल्स पेंक्रियास में जो प्रेजेंट होते हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। पेशेंट हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एंड डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन टू सस्टेन लाइफ। पेशेंट को इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इस कंडीशन में उसको इंसुलिन लेना पड़ता है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। इट मे बिकम सिम्टोमेटिक एट एनी एज। नियरली 5-10% ऑफ ऑल केसेस आर ऑफ दिस कैटेगरी। 5-10% कैटेगरी में ये सिम्टोमेटिक हो जाता है, किसी भी एज पर सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कंबाइंड जेनेटिक एंड इम्यूनोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर थॉट टू बी कंट्रीब्यूट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। ये जेनेटिक भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और बीटा सेल्स इंसुलिन को नहीं प्रोड्यूस कर पाते, जिसकी वजह से IDDM कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं Type 2 डायबिटीज मेलाइटस, जिसको NIDDM भी कहते हैं, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इट इज फॉर्मली नोन एज अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज। ज्यादातर ये अडल्ट में ही होता है। दिस ग्रुप कंप्राइजेस 90% ऑफ ऑल केसेस ऑफ डायबिटीज। ये डायबिटीज के 90% केसेस को कंप्राइज करता है। नॉर्मली इंसुलिन बाइंड टू स्पेशल रिसेप्टर। इंसुलिन स्पेशल रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं सेल सरफेस पे और इनिशिएट करते हैं सीरीज ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में जितनी भी रिएक्शन होती है उन सबको इनिशिएट करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। इन Type 2 डायबिटीज दिस इंट्रासेलुलर रिएक्शन आर डिमिनिश्ड। Type 2 डायबिटीज में ये इंट्रासेलुलर रिएक्शन डिमिनिश्ड हो जाते हैं एंड रेंडरिंग इंसुलिन लेस इफेक्टिव एट स्टिमुलेटिंग ग्लूकोज अपटेक बाय द टिश्यू। ग्लूकोज जो टिश्यू के द्वारा लिया जाता है वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। द पेशेंट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन बट मैनी ऑफ देम रिक्वायर डायट्री चेक एंड ओरल हाइपोग्लाइसिमिक ड्रग्स। पेशेंट डिपेंड नहीं होते इंसुलिन पर
इस कंडीशन में पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होते, मगर उन्हें डेली चेकअप की जरूरत होती है और कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स की, जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज को लेवल को कम कर सके। दिस टाइप ऑफ डायबिटीज में डेवलप आफ्टर 40 ईयर्स। यूजुअली ये टाइप 2 यानी कि डायबिटीज मेलिटस का 40 ईयर्स के बाद ही डेवलप होता है, बट इट मे अकर इन यंग पर्सन ऑल्सो, मगर ये यंग पर्सन में भी हो सकता है। आइए अब इसके सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि डायबिटीज मेलिटस में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स ऑफ ऑल डायबिटीज इंक्लूड 3 PS। यहाँ पे 3 PS का मतलब है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया कंटेन करता है, मींस पॉलीयूरिया मतलब इंक्रीज यूरिनेशन, इसमें यूरिनेशन बढ़ जाता है। पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज थर्स्ट, ये इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है। पॉलीफेजिया मतलब इंक्रीज एपेटाइट, इसमें बहुत ज्यादा भूख लगती है। ये 3 कंडीशंस हैं जो कि डायबिटीज इंक्लूड करता है। और कुछ अदर सिम्टम्स भी हैं जैसे कि फटीग एंड वीकनेस, थकान और कमजोरी, सडन विजन चेंज, आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी वीक हो जाती है, ड्राई स्किन, स्किन लेजन्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस के बहुत ज़्यादा चांसेस होने लगते हैं, नंबनेस इन हैंड्स एंड फीट, सडन वेट लॉस और नोजिया, वेट लॉस भी सडन हो जाता है, ब्लड शुगर इज वेरी हाई। ऑब्वियसली अगर इंसुलिन काम नहीं करेगा तो इसमें ब्लड शुगर हाई हो जाता है, आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो 126 mg/dL से बढ़ जाता है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। अगर डायबिटीज मेलिटस बढ़ जाता है तो किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? टाइप 2 डायबिटीज कैन बी इजी टू इग्नोर, स्पेशली इन अर्ली स्टेजेस। अर्ली स्टेजेस में यानी कि शुरुआती स्टेजेस में टाइप 2 डायबिटीज को इग्नोर करना आसान है, लेकिन तब तक जब तक आप फाइन फील कर रहे हो। बट डायबिटीज अफेक्ट मेनी मेजर ऑर्गन्स, बट डायबिटीज कई सारे मेजर ऑर्गन को भी अफेक्ट करता है, इंक्लूडिंग हार्ट यानी कि दिल, हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आईज और किडनीज। अब पढ़ लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आसान सा है, रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आपका डायबिटीज इंसुलिन टाइप है तो इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। मील प्लान, एक प्रॉपर मील प्लान की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत बढ़ गया है, तो आपको इस तरह की डाइट मेंटेन करनी होगी जो आपको ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रख सके, उसे और ज्यादा बढ़ने ना दे। एक्सरसाइज एंड प्रेस्क्राइब ड्रग्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।